अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद का सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HY इन्फो हब। आज हम बात करेंगे चंगामांगा जंगल के बारे में। चंगामांगा जंगल दुनिया का दूसरा हाथ से लगाया जाने वाला जंगल है। ये जंगल 1866 में लगाना शुरू किया गया। इसका पहला मकसद रेलवे इंजनों को ईंधन फरामी करना था। यह ज़खीरा जो कि बैन अल-अक़वामी तौर पर शहरत का हामिल है, ये तहसील चूनिया से लाहौर से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसमें कुदरती तौर पर बेरी, किकर, परवान वगैरह के दरख्त उगे थे। 1888 में तक जखीरे के बेशतर हिस्से में शीशे लगाई गई। बाद में तो सिंबल बकैन, पीपल, उसफेदे वगैरह भी लगाए गए। यह जखीरा चंगामांगा दो डाकुओं के नाम से मशहूर था। ये दो डाकू इस इलाके में तकरीबन 18वीं सदी में रहा करते थे। इसका कुल रकबा 12,510 एकड़ था। 1888 से 1936 पंजाब की बढ़ती हुई आबादी के ईंधन और टंबर की मांग पूरी करने के लिए शीशम लगाना मकसद बना। शुरू में जंगल को आरजी कुएं से पानी लगाया जाता था। बाद में जब नहरी निज़ाम शुरू हुआ तो इसको बाकायदा सबसे पहला नहरी जखीरा बनने का भी इजाज़ मिला। 1936 के बाद वस्ती एशिया और चीन से हिजरत करके आने वाले परिंदे, जिसमें तिलियर सरफरिस्त हैं, जिससे यहाँ तूत उगना शुरू हुए और बाद में एक बाकायदा की फसल की शक्ल अख्तियार की। तूत की काश से जंगल में दो मंजिली बुनियाद रखी गई, जिससे सियालकोट में खेलों के सामान में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी का बेशतर हिस्सा जंगल के तूत टिम्बर को यहीं से पूरा किया जाता था। इलाके भर के फैली हुई आबादी में प्लाईवुड, चिपवुड, वानवुड, माचिस की मांग को भी यहीं से लकड़ी काट कर पूरा किया जाता था। उस लकड़ी में शीशम, सिंबल और पीपल शामिल हैं। इस जंगल से मांग पूरी हो रही है। चंगामांगा जंगल को 1960 में कौमी पार्क बनाया गया। सियाहों की तफरी के लिए मेहताब झील, चिड़ियाघर, कश्तियाँ, स्विमिंग पूल, लकड़ी के हॉट और झूल पुला, मेहताब झील, ग्रासी प्लाट, क्रिकेट लॉन, चिल्ड्रन पार्क, ओपन शेड, बीच मुहैया किए गए। गैर मुल्की सियाहों के लिए रेस्ट हाउस भी मुनासिब इंतज़ाम है। झील से मेहताब झील तक जंगलाती जानवरों के लिए ब्रीडिंग का सेंटर भी बनाया गया, जिसमें हिरन, नीलगायें और मोर मौजूद हैं। नए जंगल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। जंगल में हर किस्म का शिकार ममनू है। चंगामांगा जंगल सियाहों का दिलचस्प मंजर भाव से चलने वाला वो कदीमी इंजन है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चंगामांगा में चल रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सियाह लाखों की तादाद में यहाँ मेहताब झील देखने और इंजन देखने के लिए आते हैं। वो इंजन छुट्टी के अलावा दिनों में भी चलता है और स्पेशल बुक करवा के भी चलाया जाता है। पूरे जंगल में ईंधन और टंबर की ढलाई के लिए 24 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई गई है, जबकि 5 किलोमीटर लार्जी पटरी हर वक्त ट्राम वे यूनिट में मौजूद रहती है। इसे सालाना कटाई वाले रकबे पर बिछा कर टंबर और बालन को डिपोर्ट तक पहुँचाया जाता है। फॉरेस्ट का कुल रकबा 153 एकड़ है, जिसमें बच्चों के झूले, क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड और सियाहों की सहूलत के लिए एक खूबसूरत कैफेटेरिया बनाया गया है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के खाने से ओपरनोश हो सकते हैं।